होय चैंप। यस यस, क्या कर रहा डूड? ओहो क्या बात है डूड एंड ऑल। हां वैसे चोट कैसे लगी आपको? अरे कुछ नहीं है। अरे अब बात बताओ, एंजॉय किया ना रोटियां बना के? अबे सुपर डुपर एंजॉय किया मैंने तो। क्या ये तुझे कैसे पता चला? मेरे जासूस लोग कोने कोने में फैले हुए हैं। अच्छा जासूस नौटंकी। बताना बताना किसने बताया, बताना बताना। अरे और कौन बताएगा, आपकी नानी माँ ने बताया है। अच्छा उसने आपको बताया नहीं मैंने आपको कॉल किया था? अच्छा वो तेरा कॉल था? अरे यार उसे कॉल तो आया था पर मैं उसे पूछना भूल गया और वो बताना भूल गई। नो प्रॉब्लम श्रुतम, आप एक बात बताओ ना कैसा लगा आपको गेट टुगेदर इस छोटी नौटी के साथ? अरे यार क्या बताऊं तुझे यार, सॉलिड इंसल्ट होगी मेरी। हाँ मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि रोटी बनाना इतना मुश्किल काम होगा, वो गोल रोटी। यार मेरे से गोल बनी नहीं रही थी, कितना ट्राई किया मैंने, वो इंडिया का नक्शा बन जाता था, एक साइड से गोल बना था दूसरी साइड से टेढ़ी, वहां से गोल तो यहाँ से टेढ़ी, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। यार मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मॉम गोल रोटी कैसे बनाती है, और तुझे पता है वो छोटी रूही वो मुझसे अच्छी गोल रोटियां बना रही थी, सोच। नहीं तो बहुत इंसल्ट होगी, मतलब बेइज्जती होगी। तो क्या हुआ ऐसे क्या देख रहा है, अभी भी आटा लगा क्या कहीं? तो क्या हुआ चैन? कुछ नहीं, आपको इतना हैप्पी देख के मैं बहुत खुश हो रहा था। इतने सालों से आप हंसते थे बोलते थे पर कोई दिल से नहीं होता था, इस बार आपकी खुशी आंखों में दिख रही है। बहुत अच्छा हुआ कि मैं रूही को यहाँ ले आया। थैंक गॉड कि तू मेरे पास है मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसलिए नहीं क्योंकि तू रूही को यहाँ लाया, उससे ज्यादा इसलिए क्योंकि तू मेरे बारे में सोचता है। आपका बेटा ही हूँ, सोचूंगा ही। I love you, Sam. I love you too. अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। Okay. Okay, okay, see you soon. फिर हम मस्ती करेंगे। रूही की मम्मा कैसे है रुद्र? मैं रूही से मिला हूँ, पर उसकी मम्मा को कभी नहीं देखा। कैसी है? रूही कितनी स्वीट है, क्यूट है, तो उसकी मम्मा भी अच्छी होंगी। होंगी, मम्मा इतनी अच्छी होंगी तभी तो बेटी इतनी अच्छी है। बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का, सिर्फ फोन पे ही बात हुई है। सॉरी चैंप, पर कैसे बताऊं तुझे, जिसकी तू बात कर रहा है वो और कोई नहीं, प्रीशा है, तेरी अपनी मम्मा। आई विश तू मिल पाता उससे, पर नहीं, तू ये मान कि वो मर चुकी है, तेरे लिए यही अच्छा है। बताओ ना कैसी है वो, अब उनसे मिलो ना। रुद्र, अरे क्या हो गया, ये चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, जरा सी खरोच। अच्छा सुनो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वैसे तू था कहाँ गया था? अरे दादी आप पूछो ही मत, आज बहुत ज्यादा बिजी तो रुद्र, पता है किसके साथ है? बंटी। बंटी के साथ था, और किसके साथ हो सकता हूँ? एक नया गाना बना रहा हूँ ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। कर रहा है चैंप? मैं माँ को नहीं बता सकता कि मैं रूही और प्रीशा के साथ था। अच्छा सुनो बेटे, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। बाद में करें प्लीज, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और सो जाता हूँ प्लीज। देखा मैंने कहा था, आज रुद्र बहुत ज्यादा ही थक गया है, रोटियां जो मिलनी पड़ी है। क्या पापड़? क्या? पापड़ पापड़ मिलने पड़े। अरे पापड़ बोलते हैं रोटियां नहीं, ये कहावत है। नहीं वो जब ज्यादा काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि पापड़ बेलने पड़े, वही समझा रहा था इसे। समझ गया ना? हाँ सॉरी सॉरी। हाँ अब जाओ, खुशी खुशी जाओ, सो जाओ। हाँ खुशी खुशी जाऊंगा ना, तू कहाँ जा रहा है? मुझे इस नालायक युवराज के बारे में बताना था रुद्र को, पर जाने दो, वैसे भी भगा दिया मैंने उस गिरे हुए आदमी को, और अब तो रूही और प्रीशा भी जा चुके हैं, और ये बाप बेटे दोनों कितने खुश हैं। रुद्र का मूड खराब नहीं करती युवराज के बारे में बता के।